खबर रायबरेली से है। बीते दिनों सलोन कोतवाली क्षेत्र के ममूनी गांव में सराफा व्यापारी से हुई लूट का सलोन पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। वहीं सलोन कोतवाली क्षेत्र के ही निवासी निकले लूट की घटना को अंजाम देने वाला युवक अन्य थाना क्षेत्र में भी लूट और चोरी जैसी घटना को अंजाम दे चुका ही है। युवक बता दें कि बीते 6 दिसंबर को हुई लूट के मामले में दबोचे गए 4 युवक अवैध तमंचा बाइक सहित नकदी भी हुई बरामद। प्राइम न्यूज जाने के लिए राम भवन रायबरेली। लूट के आरोपी पकड़े गए हैं, क्या था मामला पूरा? ये 6 दिसंबर को 112 के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पवन सोनी नाम के व्यक्ति के साथ घटनाकारी हुई। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस और मौके पर पहुंची थी, अभियोग दर्ज किया गया था। उसके बाद टीमों का गठन किया गया था। टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों का पीछा कर रही थी और जिसके क्रम में पुलिस टीम को सफलता मिली। इस घटना में जो शामिल 4 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनके द्वारा 2 और घटनाओं के विषय में स्वीकार किया गया है। डी और जगतपुर की एक एक घटनाएं हैं। इनको जो ये अभियुक्त हैं इनके नाम हैं गुलशन, शिव बहादुर, जयशंकर और सचिन। ये सभी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो घटना का करने का है इन्होंने एक्सेप्ट किया है। सारा जो सामान है वो भी बरामद हो चुका है। इनके पास एक कट्टा भी मिला हुआ है। जो वादी था उसकी मोटरसाइकिल और जो मोबाइल गया था वो भी बरामद हो गया है। इस टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है।